हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, अक्सर हमें रोज के कामों में कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज आप सबके साथ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी सारी झंझट खत्म हो जाएगी। जरूर वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की पहले टिप्स देखते हैं। जैसे कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और हमें उनके बुक्स में कवर लगाना होता है, तो देखिए जब भी आप बच्चों के बुक्स में कवर लगाते हो तो हमें स्टेपलर की जरूरत होती है। कवर पे हमें स्टेपलर लगाना तो होता ही है, या आप ऐसे भी कभी स्टेपलर लगाते हो तो आप देखना पिन कहीं गलत लग जाती है, तो इसे निकालना बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता होता। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत ही खास ट्रिक है। यहाँ देखिए, ये जो स्टेपलर होते हैं ना, उनके पीछे ये हिस्सा दिया होता है जो कि पिन निकालने के काम आता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, जब वो हाथ से पिन निकालने जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और ये पिन घुस जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये वाले हिस्से से हम अगर पिन को खींचेंगे ना, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाते हैं और इसे निकालने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये ट्रिक ना आपको पहले पता थी कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट करके तो जरूर बताइएगा दोस्त। तो अगली टिप्स है गमलों को लेकर। दोस्तों, गमले की बात करें तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर गमला मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हमें घर में एक से एक प्लांट लगाना। लेकिन आज के टाइम पे हर कोई प्लास्टिक के पॉट का यूज करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, ये ना जल्दी खराब नहीं होते, इसके टूटने फूटने का डर नहीं होता। साथ ही अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो ये पॉट जो है वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए आजकल सब कोई इसी पॉट का यूज करना पसंद करते हैं। दोस्तों, और एक बात, यहाँ पर जो हमारी प्लांट खराब होते हैं उसका कारण है ये प्लास्टिक पॉट, क्योंकि प्लास्टिक पॉट के अंदर पानी निकलने का ना कोई भी जगह नहीं होता। आप देख सकते हैं ये ना पूरा पैक होता है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है वो खराब हो जाते हैं। अगर ये सीमेंट का पॉट होता तो वो क्या करता है, वो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पानी अच्छे से सोख लेता है। और साथ ही साथ उस पॉट के नीचे में ना होल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट कभी खराब नहीं होते। तो आज हम क्या करेंगे, तो ये जो प्लास्टिक के पॉट है ना, उसमें हम कैसे अपने प्लांट को लगाएं, उसके लिए बताती हूँ एक ट्रिक। ये जो प्लास्टिक का पॉट है ना, उसके नीचे में हमें छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी नुकीली चीज, जिससे कि हम इस पॉट में छोटे छोटे छेद कर सके। आपके पास अगर पेचकस है तो आप उसे अच्छे से गर बीच बीच में छोटे छोटे होल्स कर लूंगी। दोस्तों, होल्स बनाने से होगा क्या, ये कि पॉट में लगे प्लांट पर जब हम पानी डालेंगे तो सारा पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और जितना हमारे प्लांट को जरूरत है वो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी, प्लांट ले लेगा और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। तो जब भी आप प्लास्टिक के पॉट घर पर लाएं तो ना इस ट्रिक का यूज करके जरूर देखें, इससे आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन अपने घर पे इस ट्रिक का यूज करता है। तो मेरी नेक्स्ट टिप्स है मखाना को लेकर। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि इस मखाने का यूज हम अक्सर फास्ट में करते हैं, और तो और इस मखाने का यूज कई कई रेसिपी में भी किया जाता है। दोस्तों, मखाने में ना भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, अगर आपको कभी अपने शरीर में कमजोरी सी लगे या थकान महसूस हो या फिर आपका शरीर एकदम आलस हो जाए,
तो उस टाइम पे ना ये मखाने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मखाने का सेवन सुबह खाली पेट में करना चाहिए, है ना? इसे ना आप गर्म करके यानी कि थोड़ा सा भून के खाएं। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है, अब इसे किसी भी तवा या फिर कढ़ाई पर हम गर्म कर लेंगे। इसमें ना आप थोड़ा सा गाय के घी के साथ भून ले, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच घी का यूज किया है इसे भूनने। अब सभी मखाने को इसमें डालकर हल्का सा इसे भून लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भून लेना है, जिससे कि ये अच्छे से इसमें कुरकुरापना आ जाए। मखाना हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मखाना अब अच्छे से भून चुकी है। इसे अब हम रोज सुबह खाली पेट खाना शुरू कर देंगे। आप ना इसका यूज करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। दोस्तों ये ना बहुत, और यहाँ पे हमारा अगला टिप्स है सॉक्स को लेके। अक्सर पुराना सॉक्स होता है उसे हम फेंक देते हैं, या फिर नया ही सॉक्स एक जोड़ी उसका गुम हो जाता है तो इसे हमें फेंकना ही पड़ता है। तो इस हालत में आपको सॉक्स को बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका हम बहुत ही बढ़िया रीयूज करेंगे। उससे हमारा रोज का झंझट वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्रबर है ना, हम हाथ में लेके बर्तन मांजते हैं, पर आज इस स्क्रबर को हम लगाएंगे सॉक्स के ऊपर, और इसका जो कमाल का जुगाड़ हम करेंगे ना, उससे आपका काम, सारा का सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, सॉक्स के अंदर इस तरीके से हाथ डाल के दोनों जो पार्ट्स है ना उनको अलग अलग करने हैं, और सॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में हमने लगा दिया है स्क्रबर। और इस तरीके से स्क्रबर लगाने के बाद सुई धागे से हम इसे सिल लेंगे। बहुत ही ज्यादा कोई फिनिशिंग की आपको जरूरत नहीं है, बस मोटे मोटे दो चार धागे डाल दीजिए, जिससे कि ये स्क्रबर सॉक्स पे लगा रहे। तो देखिए, बनाने में इसको आपको 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, और इसका जो यूज आप करोगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। आप जरूर इसे ट्राई करें, और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपको सबसे ज्यादा इसमें से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। देखिए, सुई धागे से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जब भी बर्तन मांजते हैं तब इसमें डालना है हाथ। हाथ डाल के देखिए हम कितनी आसानी से बर्तन साफ कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, बर्तन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज है, जैसे बहुत लोगों को साबुन की वजह से एलर्जी होती है, या फिर नाखून खराब हो जाते हैं, या फिर जलन सी होने लगती है, ये सारी मुसीबतें ये छोटी सी ट्रिक से खत्म हो जाएगी। आप ना इसे जरूर ट्राई करना, और देखना बर्तन मांजने के टाइम तो ये वाला हिस्सा हमें आगे रखना है, और बर्तन धोते टाइम हम इसे इस तरीके से पहनेंगे, जिससे कि बर्तनों में सफेद जो निशान आते हैं ना, जो कि कितना भी हम इसे धोएं अच्छे से फिर भी नहीं जाते, तो वो वाले निशान इस वजह से नहीं आएंगे। दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करें, मतलब कि एक ही टूल से हम 2 बार इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमने चीज बनाई है, क्योंकि मार्केट में इस तरीके के जो टूल आते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। देखिए, घर पे बनाई है कम टाइम और 0 बजट में। आप भी ट्राई करें और बहुत सारे पैसे बचाएं। अगला टिप है हमारा इस तरह का कोई भी ग्राइंडर। ये छोटा सा ग्राइंडर है कद्दूकस करने का। इसे मैं अदरक घिसने के यूज में लाती हूँ। देख रहे हैं, इसमें ना दाग से लग गए हैं, और ये दाग इसमें जम गए हैं। ये डेली यूज होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदा हो गया है। इसे क्लीन करने का आपको मैं एकदम नया तरीका बताती हूँ। आपको चाहिए बस थोड़ा सा टोमेटो सॉस, जिसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इसे पूरा मिला ले। उसके बाद आप ले ले आधा कटा हुआ नींबू।
इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हम इसे साफ कर लेंगे। नींबू और सॉस को एक साथ लगाकर घिसने पर इसमें जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। आप देखना, इन दोनों के यूज से ये एकदम साफ हो जाएगा। नींबू की मदद से इसे अच्छे से घिस ले और इसमें जो जंक लगी है या जितनी भी गंदगी इसमें जमा है वो सब बाहर निकल जाएगी। इसे मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है और हमारा कद्दूकस जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। आप ना इस टिप्स को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, ये ना बहुत छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत काम की है, वो है बेल्ट को लेकर। अक्सर बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो सारा कपड़ा, बेल्ट, जूता, मोजा सब निकालकर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो इससे होता क्या है, बच्चों के ना सामान जो है सारे वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर सुबह स्कूल के टाइम ढूंढते रहते हैं कि मेरी बेल्ट कहाँ है, लड़ते रहते हैं। तो इसके लिए मैं ना बहुत अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। वो क्या है, वो है नेल पेंट। अब आप सोचेंगे कि इस नेल पेंट का क्या यूज। तो इस नेल पेंट से हम बनाने वाले हैं कुछ निशान। अब यहाँ पर मैंने दोनों बच्चे के बेल्ट ले लिए हैं, एक मेरी बेटी का है और एक ना मेरे बेटे का। तो मैंने दोनों के बेल्ट में उनके नाम का पहला अक्षर लिख दिया है। एक का नाम है वैष्णवी और दूसरे का नाम है कान्हा। तो मैंने एक में वी कर दिया है और दूसरे में के। अब इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आसानी से अपने सामान ले सकते हैं। क्यों, ये टिप्स आपको अच्छी लगी? आई होप अगर आपको ये टिप्स पसंद आई होगी तो मुझे एक लाइक तो जरूर करिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूंगी। बाय बाय।